यार लोकल बंदे यहाँ गांव के रहने वाले, ये आपकी लिस्ट कहाँ से ली है सर आपने? ये लिस्ट कहाँ से ली आपने? ये डीसी महोदय से दी थी आपको लिस्ट? आपने अच्छा जी, ये लाल जी टमाटर के भाव है जी? ये मटर के भाव है? अच्छा अच्छा, ये क्या बोलते हैं? अच्छा, आप प्याज? प्याज 40 रुपए। ये आलू के बाद और ठीक ठाक है? और सब आप लोग आज सारे जी, आज प्रधानमंत्री जी ने एक बोला है उस बारे में, 5 तारीख को आपने लॉक 5 दिन उसके बारे में क्या आपको? 9 मिनट के लिए प्रधानमंत्री जी का हुक्म मानेंगे सर। क्या सर वो उसमें क्या? बहुत अच्छा सर जी, देश के लिए बहुत अच्छे करने वाले प्रधानमंत्री। अच्छा अच्छा अच्छा, लोगों को बचाने के लिए बड़ा अच्छा काम है उनका, बहुत शानदार काम है उनका। तो अच्छा, एक महीने के बाद दुकानें सारी आप बंद कर देते हैं? ताला जाता है, घर चल जाते हैं। अच्छा अच्छा, और मोदी जी ने हमारे को आशीर्वाद देकर घर में आराम करो। अच्छा, जो आप प्रधानमंत्री ने आज संदेश सुना आपने? बिल्कुल पूरा सुन, 9 बजे दिया था, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा है 5 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट के लिए, अच्छा जी, देश के लिए आपने सारी लाइटें बुझा के दीवा या मोमबत्ती या अपना मोबाइल ऑन करना। अच्छा अच्छा, और फ्रंट में अच्छा अच्छा, अपने बालकनी में बाहर तो आप सारा ये देखेंगे? बिल्कुल पूरा करेंगे, उनका पूरा करेंगे सर जी, उनका तो हो तो अच्छा, देश के मतलब देश को चला रहे हो। अच्छा अच्छा जी, लाने केले के बाद बताया आपने, भूल गया लिखा। अच्छा अच्छा, लोगों को ये दे रहे ना? बिल्कुल, जो रेट लगा, जो रेट लगा वही बेचना। ठीक है लाला जी, बहुत मेहरबान लाला जी। श्याम जी हैं यहाँ पर जो सब्जी बेच रहे हैं, उनकी रेट है, परंतु मेरे कुछ ग्रामीणों के मेरे पास इनके कंप्लेंट आई कि तारा देवी में रेट महंगे बिक रहे हैं। ये मेरे पास ये रेट लिस्ट है जो कि जिला देश महोदय ने दी है, आए वहाँ तारा देवी में जाकर पता करते हैं कि ये रेट ज्यादा है या कम है। अब हम यहाँ का जो रेट लिस्ट है, जैसे आलू 30 रुपए, प्याज 40 रुपए, टमाटर 30 रुपए, फल गोभी 25 रुपए, फूल गोभी 30 रुपए, मटर 40 रुपए, तो इस प्रकार देखते हैं तारा देवी में कुछ रेट ज्यादा रेट दे रहे हैं। इस बारे में तारा देवी जाकर पता करते हैं कि रेट ज्यादा या कम है, क्योंकि मेरे कुछ ग्रामीणों ने बोला कि तारा देवी में रेट ज्यादा दे रहे हैं। इसकी कॉपी हम माननीय जिलाधीश जो यहाँ के मुखिया हैं अमित जी को भी भेज दी जाएगी, ताकि ये कालाबाजारी को रोका जा सके। इसमें हम तारा देवी में है, ये उस मूल्य की दुकान है जिसमें कि आज जो भारत जो हिमाचल सरकार ने जो आदेश किए हैं कि दूरी ना रखें, इन्होंने पालना की हुई है। और देखें, कृपया 1.5 मीटर की दूरी बनाएं और हमें दुकान को बंद करने पर मजबूर ना करें। जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने, माननीय हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम जी ने जो आदेश किए हैं, उनके अनुसार इन्होंने यहाँ लिस्ट लगाई है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ जो हमारी तारा देवी में जो दुकान है उसमें इन्होंने पूरा गोड़ा लगाया हुआ है, और कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, बिल्कुल गोड़े में हैं खड़ी। और ये देखिए इस दुकान में पूरा मैं ये देखें दुकान में पूरा यहाँ पर जो यहाँ पे बिल्कुल पूरा इनका, और जितनी यहाँ दुकान सफाई है, जिस सफाई के ने पूरा ध्यान रखा हुआ है। और लाली नमस्कार जी, आज राशन पूरा सर? नहीं जी, अभी मंगाया नहीं है, अभी मंगाने को है, जो है पिछला बचा हुआ वही अगले महीने। कितना पिछला राशन आपके साथ? पिछला राशन सर ये इस महीने का है और देखो हमारी जो सरकारी दुकान है, ये मैंने देखो सैनिटाइज किया रखा हुआ है, और पूरा कितने साफ सफाई, कितनी अच्छी है। ये है तारा देवी का, देखते रहिए नेशनल न्यूज। सुंदर सिंह राणा विजय कुमार के साथ तारा देवी से। नमस्कार लाला जी। नमस्कार, ये सब्जी क्या रेट है सर? तारा जी, तारा देवी है जी? तारा देवी। ये मटर के पास सर? 50 रुपए किलो जी। 50 रुपए आई। आप गोभी, गोभी के पास सर? 40 रुपए किलो जी। गोभी 40 रुपए किलो? हाँ जी। आप प्याज के पास सर? प्याज 45 रुपए किलो जी। अच्छा अच्छा, और ये आलू 35 रुपए किलो जी। आपको जिला देश महोदय ने कोई लिस्ट दी है सर? ये देखो डीसी का भी पोषण लिस्ट दे गए। अच्छा जी, हमने ठीक है। तो मेरे कुछ लोग बोले ज्यादा रेट लगा रहे हैं आप, ऐसा कुछ है जी? रेट लगी आपकी? अच्छा ठीक है, धन्यवाद लाला जी। 50 रुपए, टमाटर 50 रुपए, मटर 50 रुपए, घिया 40 रुपए, अदरक 200 रुपए, लहसुन 150 रुपए, हरी मिर्च 150 रुपए। ये आपको लिस्ट कहाँ से दी? डीसी महोदय ने दी? जिला देश महोदय ने आपको लिस्ट दी है? ये लिस्ट कहाँ से लाए?
अपने आप की लिस्ट है जो आपको जिला देश महोदय दी है वो लिस्ट क्या लाला जी हमारे को दी बहुत अच्छा आपको नहीं मिली देखो सुनो तो कुछ लोग बोल रहे हैं लाला जी मैं हम भी गांव के रहने वाले लोग बोल रहे हैं भाई यहां पर रेट आप ज्यादा महंगे दे रहे हैं इस बारे में क्या कहना है लाला जी देखो हमारे को जो अंगूर मेरे को मिले जी अभी 80 रुपए मैं बेच रहा हूँ 100 रुपए अच्छा जी अंगूर अच्छा लाला जी क्या बोलते हैं इसको आधे मिला 175 रुपए बेच रहा हूँ 200 रुपए लाला जी साथ में संकट मोचन दुकान है थोड़ी दूर में यहाँ संकट मोचन है वहाँ पर जो ज्यादा रेट है वो 30 रुपए और ये बेचे सारा 500 रुपए दे रहे हैं 70 रुपए मिले 80 रुपए अच्छा जी हाँ जी आने के लिए वो आपने रेट लिस्ट जो है आपको जिला देश महोदय ने नहीं दी आपने लगाया अच्छा लाल अच्छा ये आपके आलू है गोभी है ये है टमाटर है ठीक है लाला जी नमस्कार जी धन्यवाद लाला जी ठीक है जी आसानी चलिए हाँ जी आप देखें जो जिलाधीश ने जो रेट मुकल्लब किए थे कुछ दुकानों में रेट ज्यादा है सर एक सेकंड वेट वेट इसको खोल लेते ना सर इससे बढ़िया पड़ेगा कई दुकानों में रेट बिल्कुल सही थे परंतु तारा देवी में ही दो तीन दुकानें ऐसी हैं जहां की रेट जो प्रशासन ने लगाया उससे ज्यादा ले रहे हैं मैं जिलाधीश महोदय जिला प्रशासन शिमला से आग्रह करूंगा कि आप देखें कई दुकानों में जो रेट हैं ज्यादा ले रहे हैं लोगों को जो हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जयराम जी ने हैं यही तो ये बोल रहे हैं कि इसको आप देखें और जो प्रशासन है ये देखें कई दुकानों में 10-10-20 देखो तारा देवी में ही कुछ दो दुकानों में रेट ज्यादा ले रहे हैं और जनता के बेचारे परेशान जनता मजबूरी में उन सामानों को ले रही है आज मैंने ये क्या किया कैमरा से हटकर मैंने देखा उनके रेट देखी और उसके थोड़ी दूर में ही थोड़ी दूरी में हमारा संकट यानी तारा देवी से संकट थोड़ी दूरी पर है उसमें जो रेट है उनमें 5-5-10-10 रुपए का फर्क है तो ये मैं जिलाधीश महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार शिमला में ही जैसे कुछ बालूगंज में है चक्कर में है छोटा शिमला में है कई दुकानदार जो कि इस कोरोना वायरस और जो मजबूरी का नजायज फायदा उठा रहे हैं और जैसे ही पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं रेट कम बोलते हैं और जब पुलिस वाले वहां नहीं होते रेट ज्यादा लेते हैं तो मैं जिला जो शिमला के मुखिया माननीय जो इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे अमित कश्यप जी उनकी टीम बहुत अच्छी कार्य कर रही है परंतु मैंने देखा है शिमला में ही कई दुकानों में कुछ दुकानें हैं उनमें रेट जो है जो कोई दुकान है 5-10-10 रुपए साथ ही फर्क है और जैसे ही पुलिस वाले आते हैं वो रेट कम कर देते हैं तो मैं शिमला के जितने भी जो शॉप कीपर हैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि जो भी जो जिलाधीश महोदय ने जो रेट लगाए हैं वैसे ही आप सामान दें प्रशासन कहां कहां जाएगा हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी सबसे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया जो जमाखोरी और जो रेट गरीब लोग आजकल ऐसे ही कोरोना वायरस से कितने परेशान हैं और उनको रेट ज्यादा मिल रहा है कृपया अपने रेट को ठीक करें और साथ साथ में जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जो आज संदेश दिया है आज जो संडे का 9 बजे का जो संदेश दिया है हमारे हिंदुस्तान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने जो उन्होंने प्रार्थना की है कि आप उसको आप ठीक 5 तारीख को 9 बजे अपने जो इनके जो 5 तारीख को 9 बजे अपने घरों की 9 तारीख को लाइट बंद कर दें और मोमबत्ती मोबाइल और या कुछ भी दिया जलाएं तो माननीय जो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जो हमें जो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को प्रार्थना की है जो उन्होंने कितना सुबह बोला था उसकी पालना करें और साथ आज मेरा प्रशासन से ये अनुरोध है और लोगों से लाल और शिमला के जितने भी लाले हैं पूरे हिमाचल के जो लाले हैं कृपया ध्यान दें और रेट ज्यादा मत करें उस परमात्मा से डरें कुछ परमात्मा की लीला बहुत अपरंपार है देखें कईयों का रेट बहुत ज्यादा है उस रेट को ठीक करें ये थी हमारी आप अंदर की बात सुरेंद्र सिंह राणा विजय कुमार के साथ नेशनल न्यूज के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज।